तो दोस्तों लखनऊ सुपर जाइंट्स वर्सेस सनराइजर हैदराबाद के बीच खेला गया ये मैच लखनऊ सुपर जाइंट्स ने 5 विकेट से जीता। तो चलो दोस्तों देखते हैं लखनऊ के इस जीत के बाद पॉइंट टेबल किस तरह से है। 10th पोजीशन पर है सनराइजर हैदराबाद और हैदराबाद अब तक 2 मैचेस खेल चुकी है और दोनों के दोनों मैच में हैदराबाद को हार का सामना करना पड़ा है और नेट रन रेट है -2.867। 9th पोजीशन पर है मुंबई इंडियंस और मुंबई इंडियंस अब तक 1 मैच खेल चुकी है और उस मैच में मुंबई को हार का सामना करना पड़ा है और मुंबई का नेट रन रेट है -1.981। 8th पोजीशन पर है दिल्ली कैपिटल्स और दिल्ली अब तक 2 मैचेस खेल चुकी है और दोनों के दोनों मैच में दिल्ली को हार का सामना करना पड़ा है और दिल्ली का नेट रन रेट है -1.703। 7th पोजीशन पर है आरसीबी और आरसीबी अब तक 2 मैचेस खेल चुकी है, 1 मैच में जीत मिली है तो 1 मैच में हार का सामना करना पड़ा है और उनके टोटल पॉइंट्स है 2 और नेट रन रेट है -1.256। 6th पोजीशन पर है चेन्नई सुपर किंग्स और चेन्नई भी अब तक 2 मैचेस खेल चुकी है, 1 मैच में जीत मिली है तो 1 मैच में हार का सामना करना पड़ा है और उनके टोटल पॉइंट्स है 2 और नेट रन रेट है 0.036। 5th पोजीशन पर है राजस्थान रॉयल और राजस्थान रॉयल भी अब तक 2 मैचेस खेल चुकी है, 1 मैच में जीत मिली है तो 1 मैच में हार का सामना करना पड़ा है और उनके टोटल पॉइंट्स है 2 और नेट रन रेट है 1.675। 4th पोजीशन पर है केकेआर और केकेआर भी अब तक 2 मैचेस खेल चुकी है, 1 मैच में जीत मिली है तो 1 मैच में उनको हार का सामना करना पड़ा है और उनके टोटल पॉइंट्स है 2 और नेट रन रेट है 2.056। 3rd पोजीशन पर है पंजाब किंग्स और पंजाब किंग्स भी अब तक 2 मैचेस खेल चुकी है तो दोनों के दोनों मैच में पंजाब को जीत मिली है और उनके टोटल पॉइंट्स है 4 और नेट रन रेट है 0.333। 2nd पोजीशन पर है गुजरात टाइटंस और गुजरात भी अब तक 2 मैचेस खेल चुकी है और दोनों के दोनों मैच में गुजरात को जीत मिली है और उनके टोटल पॉइंट्स है 4 और नेट रन रेट है 0.700। तो 1st पोजीशन पर है लखनऊ सुपर जाइंट्स और लखनऊ सुपर जाइंट्स अब तक 3 मैचेस खेल चुकी है तो 2 मैच में लखनऊ को जीत मिली है तो 1 मैच में लखनऊ को हार का सामना करना पड़ा है और उनके टोटल पॉइंट्स है 4 और नेट रन रेट है 1.358। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना क्योंकि रोज आईपीएल से जुड़े ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।